हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ झारखंड का बहुत ही फेमस रुगड़ा की सब्जी बनाने का एकदम खास तरीका। और इस तरीके से अगर आप रुगड़ा की सब्जी बनाएंगे तो इसके सामने मटन भी फेल है। तो अगर आपको भी रुगड़ा मिले तो आप इस तरीके से इसकी सब्जी जरूर बना के देखिएगा। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और अगर आप इसे एक बार बना के खा लेंगे तो आपको मटन भी इसके सामने फेल लगने लगेगा। तो चलिए अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रुगड़ा की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1/2 kg रुगड़ा लिया है। इसे हम झारखंड में रुगड़ा या पुटू के नाम से जानते हैं। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं मुझे जरूर बताइएगा। अब इसे हम अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लेंगे। तो देखिए, मैंने रुगड़ा को अच्छे से क्लीन एंड वॉश कर लिया है। अब इसे हम 2-2 पीसेस में कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने रुगड़ा को इस तरीके से 2-2 पीसेस में कट कर लिया है। अब इसके लिए हम एक मसाला बना के रेडी करेंगे। तो मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर, 2 टुकड़ा दालचीनी, 4 लौंग, थोड़ा सा जावित्री का टुकड़ा, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1/2 चम्मच साबुत काली मिर्च और 5 लाल मिर्च लिया है। लाल मिर्च की क्वांटिटी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक मिक्सर के जार में इन सारी चीज़ों को ऐड कर लेंगे और इसे हम ग्राइंड करके इसका फाइन सा पेस्ट बना के रेडी कर लेंगे। देखिए, मैंने इसे इस तरीके से ग्राइंड कर लिया है। अब हम गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई को गर्म होने देंगे। देखिए, कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दें। देखिए, ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम थोड़ा सा साबुत जीरा, 3 सूखी लाल मिर्च, 2 तेजपत्ता ऐड करके इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। देखिए, हल्के से फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम 250 ग्राम बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, यानी कि हम जितना रुगड़ा लेंगे उसका आधा हमें प्याज लेना है। इसमें भी मटन की जैसा ही प्याज पड़ता है। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम में अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए, प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे और इसे भी हम मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, जिससे कि इसका जो कच्चापन है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो देखिए, अदरक लहसुन का पेस्ट को भी फ्राई करते हुए 2 से 3 मिनट हो चुका है और ये अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस टाइम में हम इसमें रुगड़ा को ऐड करेंगे और इसी टाइम में हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम सबसे पहले हाई फ्लेम में कवर करके 5 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जिससे कि रुगड़ा का जो पानी वो अच्छे से निकल जाएगा। देखिए, रुगड़ा को फ्राई करते हुए 5 मिनट हो चुका है। इधर रुगड़ा ने अपना सारा पानी छोड़ दिया है। अब इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे हम फिर से इसे कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि इससे ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए, इससे ऑयल सेपरेट हो चुका है, यानी कि हमारा जो रुगड़ा है वो बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस टाइम में हमने जो मसाला बना के रखा था उसे इसमें ऐड करेंगे। अब हम मिक्सर के जार में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। अब इसमें हम सूखे मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, और 1.5 चम्मच मीट मसाला ऐड करेंगे। इसमें मीट मसाला जरूर से ऐड कीजिएगा, जिससे कि रुगड़ा में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाला को हम कवर करके मीडियम फ्लेम में अच्छे से फ्राई करेंगे, जब तक कि मसाला से ऑयल सेपरेट ना होने लगे। तो देखिए, मसाला से ऑयल सेपरेट होने लग गया, यानी कि मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी ऐड किया है। आप चाहें तो यहाँ पे पानी की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे हम कवर करके मीडियम फ्लेम में 8 से 10 मिनट के लिए पकने देंगे। देखिए, रुगड़ा को पकते हुए 8 से 10 मिनट हो चुका है। देखिए, हमारा जो रुगड़ा की सब्जी है वो बनकर रेडी है। अब इसमें हम लास्ट में कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे, जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, हमारा बहुत ही टेस्टी रुगड़ा की सब्जी बनकर रेडी है। अब इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं।
तो देखिए यहाँ पे मैंने गर्मा गर्म रुकड़ा की सब्जी को सर्व कर लिया है और आपने देखा कि इसे हमने बिल्कुल आसान तरीके से बनाया है और यकीन मानिए खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और आपको दिखने से भी पता चल रहा होगा कि हमारा जो सब्जी है वो कितना टेस्टी लग रहा है और ये जितना दिखने में टेस्टी लग रहा है उससे ज़्यादा खाने में भी टेस्टी है। तो अगर आपको भी रुकड़ा मिले तो आप इस तरीके से एक बार उसकी सब्जी जरूर बना के खाइएगा, उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आएगा। और यकीन मानिए अगर आप इसे एक बार बना के खा लेते हैं ना तो इसके सामने जो मटन है वो भी आपको फेल लगने लगेगा। और अगर आप रुगड़ा की सब्जी को एक बार बना के खा लेते हैं ना तो आपको रुगड़ा इतना पसंद आएगा ना कि आप हर सीजन में रुगड़ा को बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दे और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे जिससे मेरी आने वाली नेक्स्ट रेसिपी की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।